अल्हम्दुलिल्लाह भैया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मेहमान ना पहुंच चुके हैं। ये देखें जी, दो गाड़ी हैं ब्यूटीफुल सी, और एक डाले डाले में सर। यार देखें कैसा बन रहा है, बड़ा मज़े का बन रहा है। लजीज अखीर है। नहीं फोन लेना, फोन लेना, ये लेना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हूँ शहरयार खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अतीका फैमिली। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। और जनाब आज आपको बताता चलूँ कि जो भाई मेरे हैं ना बहनोई, मतलब कि मेरे आपी के शोहर, तो उनकी सिस्टर को ना आज ये लड़के वाले देखने आ रहे हैं। देखा तो है उन्होंने पहले, आज ना डेट फिक्स करनी है उन्होंने, तो काफ़ी यानी कि मज़ा आने वाला है, काफ़ी मेहमान आने वाले हैं। तो आज भाई सब घर वाले अभी चले गए हैं आपी के ससुराल, अम्मी और मैं यहीं पर हैं, यहाँ से कुछ सामान कुछ तैयारी श्यारी करने के लिए। ठीक ठाक भी ठीक है, अल्लाह तुम्हारे खुश बाश रखे। हाँ जी, तो अभी सारा घर भाई वहाँ पर ही शिफ्ट हो चुका है, तो हम भी जाने लगे हैं, तो लेट नहीं करते जल्दी से जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा रिकैप दिखा देता हूँ जो कि सुबह सुबह हमने किया, तो चलो बैक चलते हैं। रात को भाई साहब बारिश काफ़ी हुई है, ये देखें, और अभी हम मार्केट में आए हुए हैं, मतलब के बाज़ार में आए हुए हैं और कसाई की दुकान पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से भी पहले हमने लेना है गोश्त। हाँ जी भाई, चोखा गोश्त आके ने थोड़ा जी आके कोई 5 किलो। अच्छा अच्छा, चलो भाई हमने कट्टे का गोश्त लेना है, वो क्योंकि ना ब्रैलर काफ़ी ख़राब भी करता है और लोग इतना खाते भी नहीं हैं, कट्टा ले रहे हैं। अभी हम भाई सब्ज़ी मंडी में आ चुके हैं और यहाँ से हमने भाई कुछ ना हो गए फ्रूट्स हो गए, कुछ दूसरा टमाटर मिर्चें, ये सारा कुछ यानी कि ये सारे मसाले वगैरह लेने हैं, और सलाद बनाने के लिए यहाँ से खीरे और इसी तरह बंद गोभी और सारा कुछ ले लेना है जनाब। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ये तकरीबन मेरी फैमिली में ये तकरीबन फ़र्स्ट टाइम है कि कोई इस तरह से बड़े मेहमान आने लगे हैं और मैं भी इसमें शामिल हूँ। पहले मैं ऐसे कभी नहीं शामिल हुआ, पहले पढ़ाई में मसरूफ़, हॉस्टल ज्वाइन किया हुआ था ना शहर में, तो इसलिए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई सारा सामान हमने ले लिया तकरीबन, और जो अभी रहता भी है काफ़ी सारा, लेकिन वो हमें अपने गाँव से ही भेज जाएगा। अच्छा भाई, अभी हम ना आप ही के घर आ चुके हैं और यहाँ पर माशाल्लाह से भाई सफाई वगैरह हुई पड़ी है, मतलब कि सारी सफाई कंप्लीट है। और जनाब वाह भाई वाह, आई सफाई आ गए ना, आज टाइम आ गया, करनी पड़ती है। हाँ आए भाई, बहुत मेहमान आने वाले हैं ना, तो सफाई वगैरह तो करनी पड़ेगी। क्या भाई, मिल्क है, मुझे लग रहा है ये दही है। ओ मिल्क है हाँ। आप साथ गए? नहीं, हाँ साथ। क्या दिन सही, थैंक यू। कल भाई साहब हमने पंखा लगवाया था, चल गई। यहाँ पर भी इन्होंने सफाई तो की है, लेकिन अभी चार पाइयों की सेटिंग वगैरह करनी है हमने, और पंखा जनाब सही तरह से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, तैयार भी हो गए आप? हाँ जी भाई, मैं रेडी हो गई, आप भी तो रेडी हो गए। हाँ दिखाओ ना भाई, मुझे दिखाओ, फुल दिखाओ, ये देखो फुल देखें जी, डैशिंग कैसा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, लुकिंग सो नाइस। जनाब हम भी रेडी हो चुके हैं और आप भी जान भी रेडी हो चुके हैं, और अभी हम ससुराल में हैं आप ही के। हाँ भाई बाजी बैठे हुए हैं, ठीक हैं ये भाई, आज मोहम्मद अरम को झूले दे रही हैं। ठीक है, ये ड्यूटी ठीक है आपके। काम जो ही है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, हाँ हुक्का धार लो तो सा, कोई नहीं टेंशन। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, शेर यार देखें कैसा बन रहा है, बड़ा मज़े का बन रहा है। लजीज अखीर है। नहीं वाइट कॉर्न वाला अखीर आप लग रही है, वाइट कॉर्न। हाँ जी, क्योंकि हम सब वाइट पहने हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा उसमें क्या है भला? मटन।
अच्छा ये मटन है। हाँ ये मटन बना रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। और पतीले हैं लाया जाता है। अच्छा और बस मैं ऊपर की देख रही हूँ कि बन क्या रहा है। हाँ ये ठीक है। और अब्बा जान यहाँ पे जनाब अपना ना हुक्का शुक्का धर रहे हैं। बा में कुछ जो जावे हुक्का लाजमी चलना चाहिए। किमें गल है अब्बा? यार यार ये वाइट कोरम बन रहा है, इसमें डाल दिया, बताएंगे तैयार हो गई है। अच्छा चिट्टा हो गई सी जाट। हाँ पक्की गल है ना? चिट्टा ना हो तो रत्ता तो जरूरी रहा सी। वाइट कोर मत ना रही तो वाइट है यार, जो आपको रेड रेड कलर नजर आ रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। वो टमाटर इसमें ज्यादा डाल रहे हैं। अच्छा हाँ चलो खैर ठीक। लो जी भाई साहब कुछ हमारे मेहमान आ गए हैं छोटे मोटे, और ये जनाब यहाँ से ना समोसे और चिप्स वगैरह खरीद लें हैं। और एंजॉय करो भाई एंजॉय करो। अभी यार तकरीबन ना दो बज चुके हैं लेकिन अभी तक वो आए नहीं, आने ही वाले हैं। हम भी बड़ी बेसब्र कौम हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनका। तो आपको भी दिखाते हैं, मैं भी देख लूँगा। बनाओ जी पेड़ा बनाओ। पेड़ा बन दा पिए। हाँ मज़ा बड़ा आया खलोता छाए तंदूर नाल वेख ला दूबा भेड़ बकरी के साथ ही खलोती है। गाँव का ही नहीं होता ना माहौल। ये तंदूर में लग रही रोटियाँ, सालन वगैरह और सारा कुछ रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह भैया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान ना पहुंच चुके हैं। ये देखें जी दो गाड़ियाँ ब्यूटीफुल सी, और एक डाला है, डाले में जनाब कुछ सामान लेकर आए हैं और कुछ सवारियाँ भी। तो आपको मैं ये बता दूं कि काफ़ी टाइम हो गया उनको आए हुए। तो भाई कुछ रोज़े वाले थे, कुछ बच्चे थे यानी कि बग़ैर रोज़े के, तो जिन्होंने खाना पीना था वो सारा सेटअप कुछ हो गया। ठीक है अभी मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ कि मेहमान भी अपने दिखा देता हूँ, और कुछ जो सामान लेकर आए ना वो, तो जब डेट फिक्स करने आते हैं ना लोग तो सामान वगैरह यानी कि गिफ्ट वगैरह लेकर आते हैं दुल्हन के लिए, तो वो सारे कुछ भी आपको दिखा दूंगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सुना भाई ओए मोहम्मद आराम बदल देखो मामू न्यू सूट पहन लिया भाई। मैं तो हूं बड़ावनी शुरू की था कि बस का ना ना भाई बड़ावन दे रहे कि शूज ही पहनवे। अब हंस रहा है, अब हंस रहे हो भाई। काफी प्यारा सूट लग रहा है। ये देखो शूज भी पहने हुए इसने। कैसे हो? अभी अभी देखो मुंह खराब कर रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें भाई ये सारे मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और कुछ भाई साहब अंदर भी बैठे हैं। किससे की है इन्होंने? दोबारा करो भाई मुझे भी दिखाओ। इधर इधर इनको अब शर्मा गया। फोन लेना फोन लेना ये लेना। माशाल्लाह भाई ये देखें काफ़ी खूबसूरत सूट लेकर आए गिफ्ट के तौर पर, और पीछे से आपको दिखाऊं तो ये फ्रूट्स वगैरह मिठाई पड़ी है। वाह वाह वाह। और ये सारे फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं सेब वगैरह। ठीक है ना माशाल्लाह। माय गॉड ये क्या हो रहा है? मोहन खान इसको देखो क्या किया, चोट लगा दी है।